को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 966 क्लास है और आज का जो विषय है वो है महर्षि अरविंद के पूर्ण योग में चैतन्य पुरुष का महत्व। आज का विषय आदरणीय श्री पीएम सक्सेना जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। आदरणीय शर्मा जी और आज के आयोजन में उपस्थित सभी सम्मानित सुधीजन, पिछली गोष्ठी में महर्षि अरविंद के पूर्ण योग की साधना के संदर्भ में तीन प्रमुख सूत्रों अभीप्सा, अस्वीकरण या निषेध और समर्पण, एस्पिरेशन, रिजेक्शन और सिलेंडर, इन तीन सूत्रों पर चर्चा की गई थी। और उसी के क्रम में चैत्य पुरुष साइकिक बीइंग की अवधारणा पर प्राथमिक रूप से प्राइमरीली प्रकाश डाला गया था। आज का चर्चा का विषय है महर्षि अरविंद के पूर्ण योग में चैत्य पुरुष का महत्व, साइकिक बीइंग का महत्व। श्री अरविंद के पूर्ण योग में चैत्य पुरुष एक अनिवार्य तत्व है, इसके बिना पूर्ण योग साधना में प्रगति संभव ही नहीं। हम ये विचार करेंगे कि चैत्य पुरुष से क्या तात्पर्य है, इसकी सृष्टि का स्रोत क्या है, इसका स्वरूप क्या है, हमारी सत्ता में ये कहाँ स्थित है, और श्री अरविंद द्वारा प्रतिपादित अतिमानसिक योग में इसकी क्या भूमिका है। जानते हैं कि परमात्मा सर्वोच्च आत्मा या दिव्य सत्ता है और ये प्रेम का, प्रकाश का और शांति का और आनंद का अनंत सागर है। जीवात्मा इस महासागर में बूंद है। ये दिव्य सत्ता, ये जो दिव्य सत्ता है, जीवात्मा इस दिव्य सत्ता का एक बीज है। परमात्मा के विषय में हमें सबको जानकारी है ही। जीवात्मा में और साइकिक बीइंग में क्या अंतर है, इसके बारे में ही बात करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये इनमें क्या अंतर है। जैसे मैंने बताया कि जीवात्मा जो है इस महासागर की एक बूंद है, ये दिव्य सत्ता का एक बीज है, उस शाश्वत वास्तविकता का एक अंश है, और इस बीज का एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी में प्रवेश करता है। तीन तत्व हुए, पहला है परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा और तीसरा है ये तत्व जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। परमात्मा सर्वोच्च है, महासागर है, जीवात्मा उसमें से एक बूंद है, और ये जो इस बीज से छोटा सा हिस्सा निकलता है तो पृथ्वी में आता है। प्रारंभिक स्थिति में ये जो छोटा सा हिस्सा होता है, ये एक खोई हुई और पृथ्वी की जो प्रकृति है, अपरा प्रकृति, प्रकृति, उसके की चिंगारी होती है। एवोल्यूशन के अंतर्गत, क्रम विकास के अंतर्गत जीवन दर जीवन जन्म लेती हुई उनके अनुभवों के माध्यम से, उनके मीडियम से
इसमें जो संभावनाएं छिपी होती हैं, दिव्य संभावनाएं, उनमें उनको विकसित होने के लिए अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है। ये जो छोटी सी चिंगारी है वो एकदम आवरण होता है, गहरा आवरण, सत अपना प्रकृति का जो त्रिगुणात्मक है, सतरजतम है, उसका बहुत गहरा आवरण होता है, और इसकी दल में होती है, बहुत छोटी सी होती है। जैसे जैसे अनेक जन्म ये लेती है तो उससे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उनके माध्यम से इसमें जो संभावनाएं हैं, एक चिंगारी से एक फ्लेम बन जाने की, एक लौ बन जाने की जो संभावनाएं हैं, उसकी ओर ये धीरे धीरे विकसित होती है। पहली स्टेज होती है निश्चेतना, इनकॉन्शियंट। दूसरी स्टेज होती है अवचेतन, सबकॉन्शियस। इनसे गुजरता हुआ आज की स्थिति में जो मध्यवर्ती सत्ता है, ये जो मानसिक प्राणी है, मनुष्य, विचारशील मानसिक प्राणी, यहाँ तक ही आ पहुंचा है। इनकॉन्शियंट, निश्चेतन, सबकॉन्शियस, अवचेतन, और आज का मनुष्य जो अर्धचेतन है, यहाँ तक इसने इवोल्यूशन से यात्रा की है, उस आवरण से निकल के, और धीरे धीरे इसमें प्रकाश आ रहा है। इसके बारे में कहा गया है, ये सर्वव्यापी जो ईश्वर है, भगवान है, उसके बराबर के अंगूठे के आकार का है ये अंश। पुरुष है, तृष्णाविवेक में, भावावेगों में, और हमारी जो सौंदर्य रस वृत्ति है, एस्थेटिक फैकल्टी, उसमें बल, ज्ञान, सुख के लिए जो हमारे मन में चाह होती है, उसमें, इस सब में ये काम करता है। ये जो कामना पुरुष है बाह्य तल पर, इसमें कोई सच्ची अंतरात्मिक सत्ता नहीं है, इसमें कोई अंतरात्मिक सत्ता नहीं है, ये एक चैत्य विकृति है, इसको चैत्य विकृति कहा जाता है। ये कामना पुरुष जो है वो अहंकारमय है, और इसकी बड़ी मोटी तह है जो हमारे ऊपर जमी हुई है। ये वैश्य आनंद से वंचित है, इसमें आनंद तत्व तो इस तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा पक्ष है हमारी अवगुण, सबलिमिनल, अंतःस्थलीय चैत्य सत्ता, जो ज्योति, प्रेम और हर्ष, इसकी शुद्ध शक्ति है। हमारी सत्ता का ये परिवार, ये रिफाइंड एसेंस है। तो इस तरह से दो डबल सोल इन मैन का अर्थ ये है, एक तो हमारी अहंकारमयी सत्ता है, और दूसरी जो हमारी वास्तविक सत्ता है चैत्य पुरुष, वह है चैत्य तत्व का। ये जो एस्पेक्ट है, ये पक्ष है, अस्तित्व के बाह्य रूप में पीछे रहने वाला है, ये हमारा सच्चा पक्ष है, जिसे हम एक विशेष अर्थ में अंतः पुरुष कहते हैं। ये भगवान के सनातन अंश, जीवात्मा से निकला है, और उसका एक स्फुलिंग है, और उसका प्रतिनिधि है, डेलीगेट है, और हमारी सत्ता के का जो क्षुद्र अहमात्मक जीवन है, उस रूप में ये मनोमय पुरुष, प्राणमय पुरुष और अन्नमय पुरुष तीनों को सहारा देता है। और ये तीन एस्पेक्ट्स हैं, एक तो प्राण पुरुष है, जिसे ये हमारा शरीर है, उसके बाद अन्नमय पुरुष है, ये शरीर हमारा, प्राण पुरुष है, और तीसरा है मनोमय, बैटर लाइफ एंड माइंड, उनको ये सहारा देता है। हमारी जो जो ये अंतरस्थलीय अंतरात्मा है, ये जो चैत्य पुरुष है, ये आनंद की ओर खुली रहती है।
कठोपनिषद में इसे अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा के रूप में इंगित किया गया है। ऋषि कहता है वो पुरुष जो भीतर का आत्मा है, जो मनुष्य की उंगली से भी बड़ा नहीं है, वो प्राणियों में के हृदय में सदा के लिए विराजमान, उसे धैर्य पूर्वक अपने शरीर से उसी प्रकार अलग करना चाहिए जैसे घास के पत्ते से उसके मुख्य रेशे को अलग किया जाता है, जैसे कोई मुंह से उसकी सीख को अलग करता है। उससे तुम तेजोमय अमृत तत्व जानो, हाँ उसी को तेजोमय अमृत तत्व जानो। ये है हमारा चैत्य पुरुष, ये हमारी चेतना की गहराई में भगवान का मंदिर है। श्री अरविंद के अनुसार चैत्य पुरुष ही हमारा परम शास्त्र और परम गुरु है। जैसे कि पिछली गोष्ठियों में चर्चा हो चुकी है, असत से सत की ओर चेतना की अगणित वर्षों की ये जो हमारी इवोल्यूशनरी जर्नी है, कर्म विकास यात्रा है, इसमें प्रकृति निश्चेतन जड़ तत्व में अवचेतन प्राण तथा प्राण में अर्धचेतन मन को विकसित कर चुकी है। और ये जो विचारशील मनुष्य इस यात्रा का विजेटर मध्यवर्ती सत्ता है। और अब अगला जो चरण है एवोल्यूशन का, अधिमन होते हुए अतिमानस या सत्य चेतना है, जिसका संकेत वेद में है। चेतना का क्रम विकास एक सतत चलने वाली एक स्थायी प्रक्रिया है और ये जो प्रक्रिया है ऐसी है जो निरंतर चलने वाली है। इसके विषय में उसमें भी दिया हुआ है यजुर्वेद में, यजुर्वेद में भी ये कहा गया है, यजुर्वेद में भी ये कहा गया है कि हमारी जो आत्मा है ये चार स्टेप्स में आगे बढ़ती है। हमारा शरीर, प्राण और मन, इसके करस्पॉन्डिंग जो तत्व है, चौथा चरण जो है वो चौथा चरण अतिमन है, वो चरण अभी भी हमारे उसमें नहीं आया है। ये जो हमारा चैत्य पुरुष है, इसका विशेष क्षेत्र जो है केवल पृथ्वी लोक है, असुरों में और देवताओं में ये नहीं होता, पेड़ पौधों में व अन्य सभी प्राणियों में ये आत्म तत्व के रूप में विद्यमान है। ये केवल भौतिक जगत में ही विकास करता है, हमारे शरीर की मृत्यु के बाद चैत्य लोक में जाकर विश्राम करता है, फिर अग्रिम अनुभव प्राप्त करने के लिए अगले जन्म हेतु परिस्थितियों का चुनाव करता है। हमारे अंदर जो चैत्य व्यक्तित्व है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वही सत संत मुनि और ऋषि होते हैं, उनके रूप में विकसित होता है। जो ये क्लास की कैटेगरी है हम लोगों के बीच में, उनका जो चैत्य पुरुष है वो विकसित होता है। भगवान का ये सनातन अंश चैत्य तत्व तो अंतरात्मा केवल इस सेंस में, इस अर्थ में सनातन है कि अपने अंदर भगवान की जितनी भी सारी संभावनाएं वो वहन करता है, लेकिन वो संभावनाएं अपने आप विकसित नहीं होती, इसे इन संभावनाओं का विकास करना होता है। जिस तरह से सूर्यमुखी का फूल सूर्य की ओर उन्मुख होता है, उसी तरह से चैत्य पुरुष का स्वभाव भागवत सत्य की ओर बढ़ना है। ये भगवान का ऐसा अंश है
जो प्रत्येक जन्म में स्थायी रहता है, यानी जब हम जन्म लेते हैं, एक जन्म से जब अगला जन्म आता है, यही चैत्य पुरुष अगले जन्म में भी आ जाता है और जीवन का अनुभव लेता है। ये अनुभव वृद्धि के साथ प्रकृति को भगवान की ओर मुड़ने के लिए तैयार रहता है। इसमें भगवान का जो संरक्षण अंश है चैत्य पुरुष, ये हमारी जो भावात्मक सत्ता है उसका केंद्र है। और ये जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है हमारे हृदय के पीछे, उसके भीतर ये रहता है, ये निरंतर अंतर्यामी और भगवान व्यक्ति के गुह, जो गुह भगवान है हमारे अंदर, उसके साथ संपर्क बनाए रहता है। यानी इसका जो स्थान बताया गया है वो ये है कि हमारा जो हृदय है, बायोलॉजिकल हार्ट है, इसके पीछे हमारे जो सूक्ष्म शरीर में सुषुम्ना नाड़ी है उसमें रहता है, ये हार्ट के ठीक पीछे, ये निरंतर अंतर्यामी भगवान से हमेशा इसका संपर्क रहता है। ये जो गुप्त सत्ता है इसका संपर्क भगवान में रहता है और ये हमारे जीवन और प्रकृति के रूपांतर के लिए हमारा मार्गदर्शन और शासन इस पर आवश्यक है करना। इसका उसका मुख्य कार्य रूपांतर के लिए सभी वस्तुओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है। चैत्य पुरुष का जागृत होना और उसकी अनुभूति तथा इसका सम्मुख आना मुख्य रूप से दो तत्वों पर निर्भर करता है। पहला है साधक के हृदय में एक भक्त के रूप में भगवान के साथ बनाए गए संबंध में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव की गहराई। दूसरा है भेदकारी, जो सेपरेटिंग और सेल्फ असर्टिंग, भेदकारी और स्वाग्रही मानसिक, प्राणिक और भौतिक अहम भाव है, उसका रिएक्शन की सीमा, किस सीमा तक हम अहम भाव को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये जो साइक्यूलेशन है इसकी साधना में हमारी प्रकृति के तीन गुणों सत, रज, तम, इन तीनों का रूपांतर होता है। एक्चुअली रूपांतर का मतलब है प्रकृति का परिवर्तन। तो हमारी जो निम्न प्रकृति है उसका रूपांतर होता है, सत का रूपांतर ज्योति में होता है, रज का रूपांतर ओज में होता है और तम का रूपांतर शांति में होता है। और जो त्रिगुणात्मक चेतना है ये बदलकर भागवत चेतना का वाहक बन जाती है। चैत्य पुरुष जाग जाता है तब वो, जब चैत्य पुरुष जाग जाता है इस साधना के द्वारा, तो भावात्मक जो हमारी सत्ता है उसकी सारी अशुद्धियां साफ कर देता है, भक्ति को प्रदान करता है, हमें अंतरात्मा का ज्ञान होता है। उसके बाद हम अपने मनोमय पुरुष का, प्राणमय पुरुष के साथ एकात होने की भूल नहीं करते, हम प्राण और मन को अपनी अंतरात्मा मानने की भूल नहीं करते। चैत्य पुरुष भगवान के प्रति या गुरु के प्रति सच्ची भक्ति प्रदान करता है। से एकदम अलग होती है, हमारा हृदय भगवान के प्रेम और माधुर्य से भर जाता है, भगवान के साथ हमारा माधुर्य मधुर संबंध स्थापित हो जाता है, अपने अहम की जो सारी सीमाएं हैं वो टूट जाती हैं। जब चैत्य पुरुष ऊपरी तल पर आ जाता है तब उस समय वो दुखी होता है। उस समय दुखी होता है जब हमारा जो अहमन्यात्मक मनोमय प्राण पुरुष है, जब ये मुक्ता करता है, जब मन प्राण पुरुष अपनी निजी आवेगों से प्रचालित होते हैं, अपनी भावनाओं से, अपने सेंटिमेंट से, तब चैत्य पुरुष उनसे अपनी असहमति व्यक्त करता है, उनसे डिफर करता है। अगर ये शक्तिशाली होता है तो उन पर हावी हो जाता है, उनको परिवर्तित होने के लिए विवश कर देता है। अन्यथा
अगर ये प्रबल नहीं होता है, मन या प्राण पुरुष आदि अधिक स्ट्रांग होते हैं तो ये कभी ही कभी अपना भाव डाल पाता है और ये पीछे की ओर हट जाता है। चैत्य पुरुष बाह्य रूपों द्वारा प्रताड़ित होना स्वीकार नहीं करता है। जो आउटर फोर्सेस हैं, आउटर एस्पेक्ट्स हैं, उन पर उनके द्वारा ये गाइड होना नहीं चाहता है। ये मितवात के द्वारा परिचालित नहीं होता है। जो फॉल्स फैक्टर फॉल्सहुड है उससे ये अलग रहता है। जैसे उदाहरण के लिए आसपास की जो बाह्य वस्तुएं हैं जो ईश्वर को अस्वीकार करती हैं, तो भी चैत्य पुरुष अपनी जानकारी व अनुभव के आधार पर इस पर विश्वास करना अस्वीकार कर देता है। इसका सामने आने का जो लक्षण है वो है केंद्रीय प्रेम, भक्ति, समर्पण, प्रत्येक वस्तु का दान, एक आंतरिक दृष्टि जो हर चीज को स्पष्टता से देखती है। अधिक आध्यात्मिक दृष्टि क्या सही है क्या गलत है, गलत वस्तु को अस्वीकार कर देती है। दूसरा लक्षण है पूर्ण आत्मनिवेदन की क्रिया। अपने को पूरी तरह से, हम जानते हैं आत्मनिवेदन जो हमारी नवधा भक्ति है, आत्मनिवेदन उसका अंतिम चरण है। इसका जो दूसरा लक्षण है वो पूर्ण आत्मनिवेदन की क्रिया है और सत्ता के सब अंगों को, हमारे मन पूर्ण शरीर सब जितने भी अंग हैं उनको एक एक करके भगवान में समर्पित कर देता है। ये जो साधना है ये चैत्य पुरुष की देन है। इसके चैत्य पुरुष जो है उसके अपनी देन है। साधना में हमारा हृदय भगवान के प्रेम और माधुर्य से भर जाता है। भगवान के साथ हमारे मधुर से संबंध स्थापित हो जाते हैं। हमारी अहम की सारी सीमाएं भंग हो जाती हैं। जो चैत्य भक्ति होती है वो कोई मांग नहीं करती, इसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती। ये अपने निजी अस्तित्व से ही संतुष्ट रहती है और जो भगवान है चैत्य पुरुष से उसका सदैव संपर्क बना रहता है। चैत्य पुरुष ये जानता है कि सत्य का अनुसरण कैसे किया जाता है। वो सच्चे रूप में भगवान को समर्पण कर देता है। इसकी दूसरी देन है अंतरिक्ष भगवान, जो भगवती माँ हैं उनसे संपर्क और सानिध्य और अंतर में निर्भ्रांत पथ प्रदर्शन, मन प्राण और जो भौतिक चेतना है उस पर चैत का प्रभाव और पथ प्रदर्शन में उनको अधीन लाकर शांत और स्थिर बनाना। इस समय इस समस्त निमित्त चेतना को जो उच्चतर आध्यात्मिक चेतना है उसकी ओर खोल देता है। तो ये संक्षेप में श्री अरविंद के पूर्ण योग की साधना है। मैं फिर से बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं, पहली चीज होती है हमारा जो हृदय केंद्र है, चैत्य सत्ता हमारे हृदय केंद्र के पीछे की ओर रहती है। तो पहला स्टेप है उस पॉइंट पर, उस केंद्र पर ध्यान करना। उस पे लगातार ध्यान करने से अभीप्सा, प्रेम और भक्ति और समर्पण की जो शक्ति होती है, तो हमारी आत्मा पर जो आवरण छाया हुआ है अंधकार का, उस आवरण को ये हटा देती है। दूसरा, जब चैत्य पुरुष जागृत हो जाता है तो हमारा जो मन प्राण और शरीर है इसके जितने भी हमारा जो हमारे अंदर सम्यक दृष्टि पैदा हो जाती है, हमारी प्रेरणा और भाव और आवेग सम्यक हो जाते हैं, हमारी आते और गतियां सम्यक हो जाती हैं और हम भगवान की ओर बढ़ जाते हैं।
भगवान की ओर बढ़ जाने का प्रभाव ये होता है कि हम अपने अंदर भगवान को देखते हैं और हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उसमें भी भगवान को देखते हैं। ये साइकिसाइजेशन कहलाता है, साइकिसाइजेशन का। और ये स्थिति हमारी जो वर्तमान माना स्थिति है, जिसमें कि हमारे प्रत्येक कार्य में, हमारे प्रत्येक गति में, हमारी प्रत्येक जितने भी हमारे आचरण और व्यवहार है, जिस पर अहंकार छाया हुआ है, अहंकार से निर्मित ये जो हमारी प्रकृति है, अपरा प्रकृति, उससे जो ये हमारा पूरे मन बुद्धि चित्त अहंकार जिससे निर्मित है, जो इसके पर छाए हुए हैं, इसके हट जाने की वजह से हमारा चैत्य पुरुष आगे आकर भगवान से जुड़ जाता है। ये इसका साधना का फल होता है। इन शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम सक्सेना जी। और अब यदि किसी का कोई प्रश्न है। हाँ जो हमने बाहर से सीखा है, पढ़ा है, या उपनिषदों को पढ़ करके हासिल किया है, ये सब अपरा विद्या है। अपरा विद्या के पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। जो परा विद्या है, इस परा विद्या को जानने का मतलब ये है कि इसका अनुभव, जब तक अनुभव नहीं होगा, अपरा विद्या कितनी भी इकट्ठी हम कर लेते हैं तो उसका परिणाम कोई है नहीं। क्योंकि प्रश्न तो यह है कि स्वयं को जानना है, आत्मज्ञान हासिल करना है, और आत्मज्ञान हासिल करने के लिए ये मदद करते हैं जितना सुनना और पढ़ना है, लेकिन ये सब अपरा विद्या है, इसका कोई परिणाम नहीं जब तक कि अनुभव ना किया जाए। तो महात्मा मुझे जरा से ये बता दीजिए कि आत्म अनुभव करने के लिए मैं शुद्ध चेतना हूँ, ये अनुभव कैसे होगा? इसके अनुभव के बिना सब ज्ञान अपरा है जिसका कोई परिणाम नहीं। कलरा साहब, आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच है। ये गीता में भी कहा गया है कि वेदों का, उपनिषदों का और किसी भी तरह का ये ज्ञान वास्तव में, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। निश्चित रूप से इसके लिए ही साधना करना पड़ती है। जो प्रोसेसेस बताई गई हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म के जो रास्ते बताए गए हैं, वो गीता में भी बताए गए हैं। केवल भाषण दे देने से, केवल किताबों के पढ़ लेने से वो परा ज्ञान नहीं आता, ये बिल्कुल सही है। और उसके ही लिए हमारे धर्मशास्त्रों में रास्ते बताए गए हैं। फॉर इंस्टेंस, पतंजलि के का जो अष्टांग योग है, उसमें यम नियम से लेके आठ आदरणीय सक्सेना स्टेप्स। जी, जो साधना है इसका प्रणाम भी चाहिए, अपने आप को जानना है, क्योंकि जो बाहर परमात्मा है, जो बाहर जिसको हम अंदर आत्मा कह रहे हैं या जीवात्मा कह रहे हैं, यही बाहर परमात्मा है। तो अनुभव तो बाहर का तो होगा नहीं, जो इंद्रियां जानती हैं वो सारा परोक्ष है। अपरोक्ष तो केवल साधना में ही है। तो साधना बैठने के बाद भी कोई अंदर दर्शन होते हैं प्रभु के, क्योंकि निराकार परमात्मा दर्शन किससे हैं जो साधना करते हैं। शैलेंद्र ओशो के मैं सुनता हूँ, ये कहते हैं कि जितना भी लोग साधना करते हैं अंदर कुछ नजर नहीं आता, कि अनुभव केवल ये है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ। उसको आज अनुभव कर लें, आज से 10 साल बाद अनुभव कर लें, या 20 साल बाद अनुभव कर लें, अनुभव यही है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ। और शुद्ध चेतना के अलावा जो बाकी सारा है जड़ प्रकृति है, और जड़ प्रकृति की पूजा से बार बार आना जाना है, जन्म मृत्यु है। केवल शुद्ध चेतना हूँ, इसका अनुभव ही तो केवल हमें तारेगा।
लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं स्वाध्याय के आधार पर, मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ ये अनुभव करने के लिए कभी कभी करोड़ों वर्ष न मालूम कितने कितने जन्म लग जाते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन से सत्य कहा है। तो केवल हम ये सोच लें कि मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान नहीं है। श्री अरविंद ने जो साधना बताई है, ये साधना हृदय के केंद्र पर, हार्ट सेंटर पर बताई है। हार्ट सेंटर हमारी भावना का केंद्र है। हम जानते हैं एक तो हमारा विचारशील मन है, ये जो हमारी प्रकृति है उसने मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चार तत्व तो बनाए हैं, जो प्रकृति है ना सारी जी, और इनके ही माध्यम से हम साधना भी सीधे परा प्रकृति में, परा भक्ति में नहीं पहुंच जाते। हमको इनको ही उपकरण बनाना पड़ता है। भक्ति मार्ग में जो नवधा भक्ति है, अर्चन वंदन से प्रारंभ होती है, उसमें पहले शुरू होती है नाम साधना, उसके बाद होती है रूप साधना, उसके बाद अगली स्थिति आती है जब भाव साधना हो जाती है और आत्मनिवेदन पर नहीं पहुंचते हैं। रूप साधना ये तब भक्ति होती है मार्ग। जब रूप हो ईश्वर का, ईश्वर का रूप तो कोई है ही नहीं, नहीं निराकार। नहीं देखिए यहाँ पर भी ये आप जानते हैं कि दो प्रकार के मत है, एक अद्वैत है और एक द्वैत मत है। भगवान जी श्री अरविंद ने ये कहा है, रिजेक्ट नॉट द फॉर्म। हमारे मन को आलंबन की आवश्यकता होती है। मैं मिस्टर नहीं कालरा कृपाण को जी कहा करते हैं रूप साधना एक करने के लिए, इसलिए द्वैत भाव में जो है एक द्वैत मिनट, साधना हो। उसका उसका कारण क्या है? मिस्टर कालरा को मैं उनके रूप से पहचान रहा हूँ, उनके नाम से जी पहचान रहा हूँ, हाँ लेकिन जी लेकिन मिस्टर कालरा की आत्मा मुझे नहीं दिख रही। और अगर मिस्टर कालरा मेरे सामने से, यहाँ से पिक्चर उनकी हट जाए और वो कहीं अलग बैठ जाए जाके, तो मैं मिक्सर मिस्टर कालरा की जो आकृति है मेरे मन में बनी हुई है, जो सफेद बाल हैं, मैं उनके माध्यम से उनको पहचानूं। जी इसलिए यह कहना कि केवल चेतना है, हमारी जो साधना का रास्ता है वो साधना का रास्ता बड़ी धीरे धीरे प्रगति करता है, और इसके लिए हमें आलंबन लेना पड़ता है। ये भक्ति मार्ग की बात कर रहा हूं। हाँ तो आलंबन तो नाम रूप है, वो तो संसार है, प्रकृति है सारी। हाँ लेकिन वहां से जब हम शुरू करते हैं, इवन जो भक्त हैं, मीराबाई हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, ये सब वहीं से शुरू करते हैं और भाव समाधि में डूब जाते हैं। दूसरा रास्ता है, वहां पर आलंबन नहीं होता, लेकिन वहां भी पातंजलि के अष्टांग योग में प्रणिधान की बात की गई। वहां भी फॉर्म नहीं है, लेकिन ओम है, ओम की साउंड है। साउंड भी एक तरह से आलंबन लेना है। जब हम जप करते हैं तो आलंबन साउंड का लेते हैं, जब तक वो अक्षर ब्रह्म अजवा जप में नहीं कन्वर्ट हो जाता। इसलिए हमारी जो साधना है वो क्रम से चलती है। हम एकदम से अपराभक्ति नहीं पहुंच जाते, हम एकदम से समाधि में नहीं पहुंच जाते। इसलिए यह कहना कि हम चेतना है, हम आत्मा है, ये केवल हमारा जो विचारशील मन है वो सोच रहा है, हमें यह अनुभव नहीं हो रहा है। तो हमें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे जो तीन तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा मन, हमने अपने शरीर से, अपने प्राण से, अपने मन से, तीनों से भगवान को साधना होगा। और हम एकदम से ये नहीं कर सकते कि हम तक साहब, ये प्राण मन शरीर तो सब जड़ है ना जी, फिर भी प्राण हाँ ये जड़ हैं, निश्चय ये जड़ हैं, निश्चित रूप से ये जड़ हैं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो इसी जड़ में तो डूबी हुई है। भी जड़ इसी ही को है। हाँ तो जी हमें माध्यम तो इनको ही बनाना हो, इसी को तो अलग करना है, ये आपने छांटना है, इसी आपको को आपको इसी में अलग करना है। तो अलग करना है। परमात्मा तत्व का इस स्थूल से अलग करना है, आपने अलग चैतन्य करना। सूक्ष्म देखिए सूक्ष्म तत्व को अलग करना है। काला साहब, आप तो विद्वान आदमी है, आप जानते हैं कि नहीं हमारे विद्वान है हाँ इसीलिए तो प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे थोड़े हाँ करेंगे। दो फैकल्टीज हैं हमारे अंदर, एक साक्षी पुरुष है, एक प्रज्ञ। मैं आपकी कालरा साहब की आत्मा को देख रहा था। मैं अभी पे हाँ मिल गया था कालरा साहब, मैं देख रहा था ये आपको। हाँ एक
एक प्रकृति पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, हाँ जी बिल्कुल, एक अहंकार वाला पक्षी वो है द्वैत द्वैत वाली और बात है चक्रवात। ना जी, वो तो अद्वैत हमें ही नहीं मानते दो हमें पक्षी बैठे हैं। हमें करना क्या है, हमारा जो अहंकार वाला पक्षी है अपनी विल से, अपनी साधना से, जो अहंकार वाला पक्षी है जो सब कुछ ले, जो चक रहा है उसको पीछे ले जाना है, और जो पक्षी हमारा एक्चुअल पुरुष है, जो हम वास्तव में हैं, जो सत्ता छिपी हुई है, उसको सामने लाना है। और उसके लिए हमको अपनी विल का, हमारे अंदर जो भी साधन भगवान ने दिए हैं, उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करना है, यही साधना। हम एकदम से जंप नहीं कर सकते, ये जो नहीं, भगवान बट ने गीता में कहा जन्मों है कि से होता है। करोड़ों वर्ष, हो रहा है, जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं तो मैं ध्यान में चला गया था, बिल्कुल बाहर से कट ऑफ करके अंदर से आनंद आता है, और इसका अनुभव ही है और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें आपको पतंजलि योग तो करने पड़े, उसके बिना आगे आगे जा नहीं सकते। उसके बिना आगे नहीं आप बढ़ सकते हैं। आपको लोभ क्रोध मोह राग द्वेष भय अहंकार से मुक्ति मिलनी है, उसके बिना आप शुद्धि, बिना शुद्धि के बाहर नहीं पहुंच सकते। जब मान लो आपका निर्मल हो जाता है, इन सब से देखो मुक्त हो जाता है, देवी तो जी, आनंद। जो अधिष्ठान है वो चेतन ब्रह्म है, और ब्रह्म की छाया जो चिदाभास है वो जीव है। और जीव पे आ गए ना, अब जीवात्मा रह गई, तो आत्मा नहीं रही। हमारी आत्मा तो नहीं है, हमारी अब जीवात्मा है। हम जीवात्मा भी नहीं है शेरविन के टर्म्स में, जैसे मैंने अभी भी बताया, हम अंतरात्मा है, अंगुष्ठमात्र अंतरात्मा, जो बहुत एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हुए एक्सपीरियंसेस गेन कर रही है, अनुभव गेन कर रही है, और उन अनुभवों के लेकिन आधार पर लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही आपने है। आपने एक बात कही, मेरे वो प्रश्न भी आ रहा था, दो प्रश्न है मेरे आपसे। एक तो ये आपने कहा एक स्थिर ब्रह्म है और एक गतिशील ब्रह्म है, इसका जरा बताओ। ये मैंने कभी ऐसे सुना नहीं है कि ये स्थिर ब्रह्म और गतिशील ब्रह्म, ये तो सुना हूँ आपको। ऋषि जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही फर्क है टर्मिनोलॉजी में श्री अरविंद की और पारंपरिक नहीं, योग वो कहना एक ही चीज चाहते थे, लेकिन ये अगर उन्होंने बोल दिया है, लेकिन इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म की। में एक तो अंतर हो ही नहीं सकता। जब ब्रह्म नहीं, है तो अनिल उसमें तो कोई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब वो सच चित और आनंद की स्थिति में होती है चेतना, तब कोई कोई अंतर नहीं होता। अंतर नहीं है। लेकिन लेकिन जब वही चेतना सत्ता में उतरती है, तो वो जो वहां पर अविभाजित है, यूनिटरी कॉन्शियसनेस है, एकत्व है, वो विभाजित होना शुरू हो जाता है, और वहीं पर एक स्थिर ब्रह्म हो जाता है, और एक सत हो जाता है, और एक लेकिन चेत हो जाता है, इसी सत इसी और के साथ चित्त शक्ति। लेकिन इसी के साथ ही दूसरा प्रश्न जो इसी से लिंक्ड है, आपने कहा बे जन्म मर जन्म निरंतर विकास की तरफ अग्रसर होता है। ये जरूरी थोड़ा कि आप विकास की तरफ, जो अगर आप दुर्कर्म करेंगे तमोगुण वाले आप प्रधान हो जाएंगे, आप सात्गुण कर्म नहीं करेंगे, पुण्य कर्म नहीं करेंगे, अधर्म की तरफ चलेंगे, तो आप विकास नहीं कर रहे, आप तो नीचे गिर रहे हो। आपने कहा निरंतर विकास होता है, ये सत्य नहीं है। नहीं, वो भी आप उसको भी यहाँ पर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आ जाती है। ये निरंतर विकास, सात पुरुष हाँ तो विकास नहीं, करते हैं, सात आप पुरुष विकास ध्यान करते हैं, आप जैसे कहा संत लोग विकास करते हैं, ध्यान से सुने, लेकिन सारे विकास नहीं कर सकते। ध्यान से सुने, जब मैं कहता हूँ क्रम विकास, तब क्रम विकास की बात शेरविन का, ये यजुर्वेद का एक मंत्र है, मैं कोट नहीं कर पाया, उसमें वो कहता है, मैं मन से प्राण की ओर बढ़ता हूँ, प्राण से नहीं, शरीर से प्राण की ओर बढ़ता हूँ, प्राण से मन की ओर बढ़ता हूँ, और मन से अति मन की ओर बढ़ता हूँ। ये यजुर्वेद का मंत्र है, मैंने अभी कोट नहीं किया, केवल शब्दों में बोला था। तो क्रम विकास का जो दर्शन है वो यजुर्वेद में मौजूद है, और श्री अरविंद का कहना ये है, आप जानते हैं हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, हिस्ट्री में आप जानते हैं कि सात सातवां मनवंतर चल रहा है, छह मनवंतर में सृष्टि आई हुई है और नष्ट हो गई है। आप ये जानते हैं, आपको साइंटिफिक नॉलेज भी है कि पहले मैटर, आपकी थ्योरी ऑफ बिग बैंग में पहले एनर्जी थी, इट वॉज ऑल एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड एट इन्फिनिटेसिमल पॉइंट, इनफाइनाइट एनर्जी, मैटर नहीं था, वही कोई
बाद में मैटर हुआ और मैटर में से ही प्राण तत्व आया, लाइफ आई, लाइफ में ही माइंड आया। ये है क्रम विकास और यही है चेतना का विकास। पहले इनकॉन्शियंट था मैटर और ये विकास आप नहीं कर रहे हैं, ये विकास प्रकृति कर रही है। अरविंद कहते हैं कि अभी तक जो विकास हुआ है वो प्रकृति ने किया है अब तक, अब वो क्रम विकास कॉन्शियस हो गया है और इसलिए उसमें गति आ गई है। इसलिए ये बिल्कुल सोचना गलत कॉन्शियस है। कॉन्शियस से कॉन्शियस की जब गति आती है तो परमाणु परमाणु निकलते हैं। ये एक थ्योरी है, ये एक आध्यात्मिक थ्योरी है। ठीक है, और वो परमाणु उसी से ही निकलते हैं जब कॉन्शियस की होती है। हाँ, यस यस, वही कॉन्शियस है। तो वो गति जो है अब तक प्रकृति कर रही थी, नेचर कर रहा था, लेकिन अब हमारे स्तर पर आकर वो जो विकास क्रम विकास है वो कॉन्शियस हो गया है। हमारे अंदर एक स्वातंत्र हमको मिला है और अब क्रम विकास कॉन्शियस होने की वजह से तेज हो गया है। आप देखिए 50-60 साल में न्यूक्लियर एज आई, स्पेस एज आ गई, अगर आज हम कहाँ हैं। और उससे पहले के 1800 साल देखिए तो एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इतना तेज विकास नहीं था। तो वास्तव में आप नहीं कर रहे हैं कुछ, विकास प्रकृति कर रही। मदर ने एक जगह कहा है, उनका उनका जो पर्पस तो है, था, पुरुष और प्रकृति और तो है पुरुष और प्रकृति, ही एंड शी, ही एंड शी पूरी। तो विकास वो कर रहे हैं और आप तो केवल जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और उसमें रेजिस्टेंस आ गई और बल्ब जल गया या ट्यूबलाइट जल गई, वो आप हैं जो दिखाई दे जाते हैं आउट ऑफ रेजिस्टेंस। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी तो ऑलरेडी फ्लो कर रही ये, है। ये जो आपने ये चैत्य पुरुष भी तो ट्यूब करंट है, यही करंट है। हाँ, चैत्य पुरुष वो करंट है और वो उसके ऊपर आवरण है। वो आवरण जो है वो तो इसीलिए जीवात्मा बन चुकी है ना। लेकिन एक बात और है, ये आवरण और ये चैत्य पुरुष क्रिएशन एक से बहु होने की प्रोसेस है, ये उसका मनोरंजन है, ये उसकी लीला है। वही कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं ना, तमाशा देख रहे हैं भाई वाली बात है। और एक टॉप भी है, ये जिसको आप जड़ प्रकृति कहते हैं, अपरा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति भी परा प्रकृति का की छाया। देखिए स्थूल स्थूल और सूक्ष्म का आपस में संबंध है, वो अलग नहीं कर सकते आप, अलग नहीं कर सकते। और एक बात, जब वो संबंध है, जब वो संबंध है तो साधना के अंदर एकदम से हम चेतना पे नहीं पहुंच जाएंगे, हमें स्थूल का आलंबन बनाना होगा। शेरविंद स्पष्ट करते हैं, फॉरगेट नॉट दाइन द फॉर्म, फॉर्म को भूलिए। जो एक ये पूछना था कि जो अतिमानस अवस्था की बात हम कर रहे हैं क्रमिक विकास के लास्ट में, अतिमानस स्टेज में, उसका लक्षण क्या होगा, कैसा होगा वो अतिमानस? खाना बना लो सर। चौधरी साहब, आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन अतिमानस का रूप अभी भी खुल के नहीं आया है। भावी मानव के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं, ये पूरे में अपना डिटेल है। श्री अरविंद और मदर का कहना है, वो उनका योग लास्ट तक उसमें ही रहा। उनका कहना है जो भावी मानव होगा, जब हमारे अंदर चेतना का परिवर्तन होता है तो हमारे ये बॉडीली सेल्स हैं इनमें भी चेंज आता है। जैसे एक शेर की बनावट अलग है, एक जैकाल की बनावट अलग है, मनुष्य तक आते आते शरीर की बनावट अलग हो गई है। तो ये जो मानसिक चेतना है, जब भौतिक स्तर पर अतिमानस की जो चेतना है, अतिमानवीय चेतना है, ये जब नीचे आएगी तो हमारे शरीर के जो अवयव हैं, हमारा लिवर, हमारे हार्ट और ये सब हमारे, ये ज्यादा मैलिएबल हो जाएंगे। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, अगर मैं पूरा दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसका पूरा किसी वक्त बता दूंगा। तो ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी आपके फंक्शंस हैं, हमारे सोशल फंक्शंस, वो सारे के सारे जब चेतना का परिवर्तन होगा तो सोशल फंक्शंस भी चेंज हो जाते हैं, वो हमें दिखाई भी देता है।
फॉर साहब इंस्टेंस बहुत आपके बहुत बहुत उत्तम, बहुत उत्तम प्रश्न किया, बहुत आनंदमय प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत और बहुत हाँ मैं यहाँ नोट पर किया था जैसे लेकिन मैं प्रश्न कर नहीं पाया, एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रश्न, दूँ, मैं थोड़ा बहुत सा अच्छा बताऊँ, प्रश्न। तो मदर ये कहती हैं वो सेल का कोषाणुओं का योग कर रही थी, ठीक हाँ मैं कहा है। ना, जो मैंने कहा हाँ परमाणु अणु परमाणु अलग तरह निकलते हैं जब सब वो जब कॉन्शियसनेस उस स्तर पे पहुंच जाती है, तो हाँ, तो उन्होंने कहा है कि मेरा हमारा ये जो बॉडी है इट्स ए कॉलोनी ऑफ सेल्स, एक कॉलोनी यस ऑफ सेल्स, माइंड, माइंड सेल का एक वर्ड इस्तेमाल किया है उन्होंने, माइंड ऑफ ये सेल, अणु परमाणु का ही कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। हाँ अणु परिवारों में चेतना सुप्तावस्था में है, हाँ लेकिन जब सेलुलर फॉर्म में आ गई है तो सेल का अपनी एग्जिस्टेंस है, उनमें हर सेल की अपनी चेतना है, हर सेल में माइंड है, और ये जो टोटल, ये जिस तरह से एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है उससे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उसी तरह से जो हमारा माइंड है वो सेंट्रल कंप्यूटर है, और हमारे सेल के जो माइंड्स हैं वो सब इससे जुड़े हुए हैं, वो इनको सबको कोऑर्डिनेट करता है, एक यहाँ प्रश्न आया, मदर ये। एकदम प्रश्न आया मेरा एकदम, ये जो माइंड है, ये जो कंप्यूटर है, इसका सर्वर कहीं ऊपर है क्या? हाँ हाँ ये आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ आपको मालूम है कि सृष्टि के प्रारंभ में समष्टि मन पैदा हुआ है, समष्टि एग्जैक्टली मैं यही कहना बुद्धि चाह पैदा रहा था, हुई, इसका सर्वर यहाँ नहीं है। समष्टि बुद्धि पैदा हुई है, हाँ और ये हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो इंडिविजुअल बुद्धि है, व्यक्तिगत बुद्धि है, वो उस समष्टि बुद्धि का ही विकृत रूप। हाँ यही 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 देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग। तो ये जो अब मैं कमिंग टू द बैक टू द पॉइंट, जो अभी भी आपने क्वेश्चन किया था कि जो भावी मनुष्य होगा, आप देखते हैं पिछले 500 ईयर्स बैक जो सोसाइटी की हालत थी उसमें शासक आके हमला करते थे, किस तरह से हिंदुस्तान को रौंदा गया, किस तरह से लोग लड़ते थे, ये चेतना का परिवर्तन के, आज हम डेमोक्रेसी में हैं, ये चेतना का ही परिवर्तन है, ये चेतना का ही परिवर्तन है कि आज यूएनओ मौजूद है, एक प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ये चेतना का परिवर्तन है जो धीरे धीरे मानवता को लड़ के झगड़ के करीब ला रहा है, यही चेतना का परिवर्तन है। और शेरविंद ये कहते हैं कि वो जो हायर चेतना, अतिमानसिक चेतना है, जब ये धरती पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी तो सारे इंस्टीट्यूशंस बदल जाएंगे। हमारा उन्होंने लाइफ डिवाइन में इथिक्स के ऊपर कमेंट किया है, एक इंफ्रा इथिक्स है, एक इथिक्स है, और एक हायर इथिक्स है, जो हमारी इथिकल कॉन्सिडरेशन से ये सब चेंज हो जाएंगे, लड़ाई चलो बहुत झगड़े सब बंद हो जाएंगे। ये नहीं सब नहीं चेंज हो भर जाएगा, सारे और इसका लड़ाई दर्शन झगड़े आप, बंद हो जाएंगे ना, युद्ध बंद हो हाँ जाएगा। हाँ हार्मनी आ जाएगी, हार्मनी, हार्मनी, टोटल हार्मनी। ये जब होगा, जब भारत विश्व गुरु बनेगा, नहीं, ये भारत बात तो की बात बनेगा इस तभी लोग बन जाएंगे, उस मतलब उस उसके बिना ये संभव चौधरी नहीं है, साहब उसके बिना देखिए, संभव नहीं है, उसके बिना तभी संभव चौधरी नहीं है। साहब, कोई लड़ाई ऐसा झगड़ा कोई कोई ऐसा रिलीजन, युद्ध ही कोई नहीं ऐसा होगा, कोई युद्ध ही नहीं विश्वास होता ऐसा चौधरी नहीं है जो जो साहब, धारणा करते हैं, ऐसी किसी की नहीं है, किसी चौधरी किसी साहब, सेक्ट की नहीं चौधरी है, ना क्रिश्चियनिटी में है, साहब ना क्रिश्चियनिटी में है, ना इस्लाम में है, किसी में नहीं है सही ये। है, कोई चौधरी युद्ध साहब, नहीं होगा, कोई अलग चौधरी अलग साहब धर्म देखे, का झगड़ा नहीं होगा, कोई रिलीजियस फाइट नहीं होगा, कोई हाँ रिलीजन हार्मनी, नहीं होगा, हार्मनी, हार्मनी, हार्मनी। चौधरी हार्मनी। साहब देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से थोड़ा सा अंदर जाके देखें तो आप देखेंगे पिछले 1000 साल के अंदर कितना चेंज आया है। हमारे रिलीजियस हिस्ट्री में शैव और वैष्णव लड़ते थे बुरी तरह से, मारकाट की हाँ नौबत आ सब जाती थी एक हमारे हो गए। यहाँ, और दूसरी तरफ आप पॉलिटिक्स में आइए, पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कि राजशाही थी, राजे महाराजे आपस में लड़ते थे, वो राजशाही खत्म करके आज डेमोक्रेसी में आ गए, और डेमोक्रेसी के बारे में भी श्री अरविंद ने ये कहा है इट्स ए फेज जिसके थ्रू मानवता को प्राप्त होना है। तो जब जो तो हायर उच्चतर चेतना हमारे अंदर उतरेगी तो ये सारे के सारे चेंजेस सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, इन सब में चेंज आएगा। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से एक बंदर और आदमी में जितना फर्क है उतने से ज्यादा फर्क अतिमानव में और आज के मानव में हो। चलो बहुत, आपके मुंह में घी शक्कर, अगले अगले जन्म में होंगे हम, तब कौन सा जन्म हाँ लेंगे, तो आएंगे फिर आएंगे, तो आते रहते हैं।
और देखेंगे, लेकिन लेकिन पहचानेंगे नहीं। लेकिन आपको पहचानने की कोशिश करूंगा अगले जन्म में, कोई बात लेकिन उन्होंने एक बात कही है, द टाइम हैज कम, इट मे टेक 400 ईयर्स, फाइव टाइम हंड्रेड है। ईयर्स तो 1000 ईयर्स, गुरुदेव ने भी बट कहा, दैट आचार्य टाइम हैज शर्मा, कम। आचार्य शर्मा जी ने भी कहा है, आचार्य शर्मा जी तो रिसेंटली कहा है, तो टाइम अभी तो अगला टाइम आएगा वही है, ये हमारा विचार क्रांति आ रही विचार है। क्रांति आ रही है। और एक चीज और है, हम जब सोचते हैं तो हमारा अनुभव हम पानी के बुलबुले की तरह से हैं, हम उतना वास्टनेस में नहीं सोच सकते। ये ऋषि लोग अरविंद जी जैसे जो आगे नहीं तक क्यों का नहीं देख सोच लेते सकते, हैं। सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, हम सोचते हैं, आप भी सोचते, क्यों नहीं सोच सकते? अरविंद जी सोच देखिए सकते हैं, तो हम क्यों नहीं देखिए सोच ऐसा है, सकते? हमारा जितना भी सोच है हाँ गाइडेड होता है इन सब नहीं, लोगों से। गाइडेड तो उसी से ही होता है, और किसी से गाइडेड नहीं होता। एक क्या चैतन्य बिल्कुल चैत्य पुरुष से होता है और दूसरा परम ब्रह्म से होता है। हाँ राइट राइट। अगर आपका चैत्य पुरुष जागृत होता है तो वो तो आपका गुरु होगा, है, क्यों सब नहीं कुछ है, उससे बिल्कुल गाइडेड प्रभु की होगा। कृपा है। हाँ लेकिन लेकिन मेंटल लेवल पर, जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ी तो इंजीनियरिंग का सब जानते हैं, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी तो मैथमेटिक्स का, तो थिंकिंग जो है वो बाई एंड लार्ज हमारा ये जो कंटिन्यूस जर्नी एजुकेशन है, है। ये अरे कंटिन्यूस जर्नी, ये जर्नी कंटिन्यूस है, ये नहीं कि हम पहुंच गए वहां, हम नहीं पहुंच पहुंचे, वही पहुंच यात्रा, एक कंटिन्यूस यात्रा है, कंटिन्यूस यात्रा है। गए। लेकिन अति मानव वाली बात जो है, उन्होंने हाँ लास्ट में कह दिया है कि आप अभी उसका ये इंडिकेशंस हैं, लेकिन वो क्या होगा इसके बारे में कोई मैपिंग आपके सामने अभी नहीं है। चलो लेकिन अगले जन्म में देखते हैं, थोड़ा अगले जन्म में देखेंगे, अगले जन्म वो चौधरी साहब चेयरमैन बता, में देखेंगे। हाँ उसके बारे में अभी आप कोई निश्चित नहीं बता, लेकिन थोड़े से ये इंडिकेशंस। एक किताब है मदर्स एजेंडा, 12-13 वॉल्यूम में है। मदर का एक फ्रेंच डिसाइपल था, तो मदर से जो उसकी टॉक्स होती है उसको सबने उसने रिकॉर्ड किया है, और उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, और वो मातृवाणी में, यहाँ के लोगों ने मातृवाणी में भी दिया है। और लेकिन अतिमानव क्या होगा, बस इतना उनका कहना है कि उसके और आज के मानव की चेतना में जमीन आसमान का अंतर होगा, चलो उसको बहुत आप बहुत पढ़िए। धन्यवाद आपका, आज का प्रवचन बड़ा आनंदमय रहा, और प्रश्न उत्तर तो बहुत ही अच्छे रहे। भले वो चैत्य पुरुष तो सिर्फ आप आत्मा के बारे में बोला है, जो जितना मर्जी बोलो, लेकिन जो प्रश्न उत्तरों के सामने आया ये बहुत ही उत्तम हुआ, बहुत अच्छा रहा। अंतरात्मा, आपको अंतरात्मा भी बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात ध्यान रखिएगा, जीवात्मा और अंतरात्मा का अंतर, हाँ, तो जैसे मैं कहा एक कि मैंने वो भी एक्चुअली हमने 2 साल पहले मैंने ये प्रश्न पूछा था कि आत्मा और जीवात्मा अलग चीज है, तो उस टाइम सब पूछ रहे थे कैसे, तो मैं उस टाइम बताया कि इसमें जो आवरण चढ़े हुए हैं कि शुद्ध आत्मा नहीं है इसमें, जीवात्मा, क्योंकि आचरण चढ़े हुए संस्कार है, वो है सब, कर्मों का फल है, जीवात्मा, ये सब उसी जीवात्मा का, के। हाँ जीवात्मा का एक अंश अंतरात्मा है, और ठीक चैत्य बिल्कुल पुरुष में बिल्कुल जिस तरह से हमारा प्राणमय पुरुष, अन्नमय पुरुष, मनोमय पुरुष डेवलप वो होता है, चार उसी तरह से चैत्य पांच, पुरुष ये डेवलप होता है। अंदर अंदर ये सारे पुरुष अंदर 4 तरह के पुरुष है, 5 तरह के पुरुष है, एक पुरुष नहीं है, वो अंतर सब अन्न में कोष में भी पुरुष है, वो भी पुरुष है, वो भी हाँ, सब पुरुष है। सब पुरुष है और ये डेवलप होते हैं। बहुत धन्यवाद। हाँ उसी की शुद्धि है एक्चुअली, जो काला साहब पूछ रहे थे मैं कहने वाला था, 5ों कोषों की शुद्धि कर लो, और लोभ क्रोध मोह राग भय अहंकार से मुक्ति कर लो, आनंद ही आनंद है, कोई वह कोई आनंद ही आनंद है, फिर तो है ही कुछ नहीं। अब मैं 2 मिनट में आनंद ले, बाहर से कट ऑफ, आनंद ही आनंद है, कुछ ही से लेना आनंद, देना नहीं है, सिर्फ परमात्मा। आनंद से आप उत्पन्न हुए हैं, आनंद में ही रहते हैं, और आनंद में ही बस बस आपका बस बिल्कुल विलयन हो जाता है। ये तो हमारे उपनिषद बिल्कुल। में भी कहा गया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप अभिषेक जी, चलिए अभिषेक नहीं, मैं हूँ। अभिषेक जी चलेंगे। हाँ जी, हाँ अरविंद नहीं जी, आपने सुना, आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वो हुआ, प्रश्नोत्तरी बड़ी अच्छी हुई आज, बहुत आनंद चलिए, है। आज क्या चाह रहे हैं? किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव, किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, क्योंकि बिल्कुल लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। हाँ सही, बिल्कुल, किसी से आशा एकदम करोगे तो उम्मीद निराशा। दुख का कारण होती है। तो गीता जी में कहा गया है ना, बस वही,
बैलेंस एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं। आई ऑफ जीरो 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 सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शांति सा मां शांति।